आज सूर्य उपासना का महापर्व छठ श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। देहरादून के टपकेश्वर में पूर्वांचल की महिलाओं ने छठ पर्व के आखिरी दिन उगते सूरज को अर्घ्य दिया और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। आपको बता दें कि नहाए खोए के साथ शुरू हुए छठ महापर्व का आज अंतिम दिन रहा। इस मौके पर टपकेश्वर में सैकड़ों की संख्या में लोग उगते सूरज को अर्घ्य देने पहुंचे। बिहारी महासभा के द्वारा भी छठ के मौके पर टपकेश्वर में व्यवस्था की गई थी। जैसे कि यहाँ के जनमानस में छठ मैया के व्रत के प्रति भावना बने और आगे से लोग पूजा पाठ करें। छठ व्रत एक बहुत ही शुद्ध और सात्विक पर्व बा। एकरा में तीन दिन के व्रत होला और व्रत कईला के बाद रुआ खरना के प्रसाद, ओकरा बाद दूसरा दिन सुबह अर्घ देल जाला, आज सायं के अर्घ देल जाता कि एकर प्रसाद दरवाजे दरवाजे जितना दौरा पर लोग जाला मांग के प्रसाद लेला, उहे प्रसाद के महत्व मानल जाला। महासभा छठ का कार्यक्रम डूबते सूर्य के अर्घ दे करके शुरू किया है। ये हमारा बहुत अनूठी कार्यक्रम है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं मनाया जाता है। हर लोग उगते को पूछते हैं, लेकिन ये बिहार के लोग और सूर्य पूजा ऐसा है कि हम लोग डूबते सूर्य को अर्घ दे करके पूजा शुरू करते हैं और उगते सूर्य को अर्घ दे करके समाप्त करते हैं। आज टपकेश्वर में डूबते सूर्य का अर्घ देने का कार्यक्रम हुआ है। पूरे देश के साथ साथ सीमांत जनपद पिथौरागढ़ जिले में भी छठ पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान टकराना के धोबी घाट में छठ पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वांचल समाज के लोगों ने छठी मैया की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। आपका शुभ नाम? और ये पिथौरागढ़ में हम करीब आपको 25-30 वर्षों से करीब हम यहाँ पर धोबी घाट में छठ मनाते आ रहे हैं और ये बढ़ते निरंकारी करीब इनका 72 घंटे के व्रत रखते हैं, जो निरंकार बिल्कुल रखते हैं, जो सूरज को उगते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को ये अर्घ देते हैं। और कल सुबह आपको करीब 7 बजे उगते हुए सूरज को जब अर्घ देंगे तब इसका समापन होगा। पिथौरागढ़ जिला खेल कार्यालय द्वारा जिला ओलंपिक संघ और हरि सिंह थापा बॉक्सिंग संघ के समन्वय से अनुसूचित जनजाति की जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका समापन गुरुवार को हो गया। इसमें विजेता खिलाड़ियों को खेल विभाग की ओर से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले बालक बालिकाओं को खेल विभाग की ओर से निःशुल्क आवास और भोजन व्यवस्था के साथ साथ दैनिक भत्ता और आनुषांगिक व्यय प्रदान किया गया। पिछले 56 दिनों से आंदोलनरत पिथौरागढ़ के चिकित्सा विभाग से निकाले गए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय में भूख हड़ताल शुरू कर दी। आंदोलनरत कर्मचारियों का कहना है कि वो पिछले 16 सितंबर से लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा उनकी कोई भी बातें नहीं सुनी गई। इसके चलते अब उन्होंने भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया है। हमारा 16 सितंबर से 2021 से हमारा आंदोलन चल रहा है। धरना रोध धरना हम देहरादून 2-3 बार चले गए, 3 बार देहरादून चले गए, वहाँ सभी सचिवालय मंत्रिमंडल सभी से मिल गए, यहाँ शासन प्रशासन दोनों से मिल गए, यहाँ सब ने हाथ खड़े कर दिए, सब आश्वासन दे रहे हैं 4 दिन रुक जाइए, 5 दिन रुक जाइए, अभी तक हमारी सुध किसी ने नहीं ली है। सब मानसिक और पारिवारिक और आर्थिक तौर पर परेशान हो गए हम लोग। मुख्यमंत्री आए हैं, हम उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी एक बार फिर हमने बहुत बार गुहार कर ली और मुख्यमंत्री जी से हम एक बार जरूर हम बात करना चाहेंगे कल भी। हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, हमने शासन प्रशासन दोनों जगह जाके हमने अपनी मांगों को रखा गया है, पर हमें कोई मतलब हमारा कोई निर्णय नहीं लिया, इसलिए आज हम यहाँ से आज हम भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं और हमारे साथ ही जितने हैं सब लोग यहाँ पे हमारा 56 दिनों से हम लोग घूम रहे हैं। हमें कोई ना हमें वेतन मिला है ना हमारी नौकरी बहाली का कोई शासन प्रशासन कोई कुछ कर रहा है। नगर पालिका परिषद डीडी हाट के द्वारा 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में प्रदेश की लोक कलाकारों के साथ साथ विभिन्न राज्यों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। महोत्सव में विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिनकी जानकारियां भी दी जा रही हैं। इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुँच रहे हैं। हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा देने के लिए मेरे कार्यकाल को 3 साल हो गए, उसमें से हमारा दूसरा डीडी हाट महोत्सव है
पिछली बार कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमने ये महोत्सव नहीं किया, लेकिन इस बार हमने बड़े ही भव्य तरीके के साथ यहाँ पर डीडीहाट महोत्सव किया है और हम हमारी जनता को वो सब कुछ देना चाहते हैं जो बाहर शहरों में मिलता है। आप देखेंगे यहाँ बड़े बड़े झूले लग रहे हैं, हमने ऊँट तक को यहाँ पर लाए हैं। हमारी जनता काफ़ी खुश है और उससे हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। हम आगे भी इससे भव्य आयोजन करेंगे। कोरोना काल के बाद पहली बार डीडीहाट में महोत्सव हो रहा है, काफ़ी बढ़िया महोत्सव हो रहा है, काफ़ी सराहनीय कदम है नगर पालिका परिषद का और यहाँ पे दूर दूर से कलाकार आ रहे हैं, हमारी संस्कृति देखने को मिल रही है, काफ़ी भव्य तरीके से महोत्सव हो रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस महोत्सव में अपना सहयोग देने के लिए, इस महोत्सव को अच्छे से कराने के लिए धन्यवाद। जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम में सपरिवार दर्शन करने आई गुड़गांव की रहने वाली 29 वर्षीय महिला को आईटीबीपी के जवान ने अपनी कार से देर रात रौंद दिया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महिला अपने पति और 5 वर्ष के बच्चे के साथ बद्रीनाथ दर्शन करने आई थी। हादसा बद्रीनाथ धाम के माणा तिराहे के पास बांगर धर्मशाला के पास हुआ। आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह, किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ, कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा, कामकाज में कौन जीता और कौन हारा, 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल, देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।